आज तक टीम सरेआम ने जिस शख्स को भी, जिस माफिया को भी, जिस पीर को भी, जिस फ्रॉड और धोखे को भी बेनकाब किया है, हमने कोशिश की है कि मुकम्मल नाकाबिले तर्दीद सबूतों के साथ उसे बेनकाब किया जाए। और हम नहीं चाहते थे कि इतने बड़े फितने को बेनकाब करते हुए हमारे सबूतों में किसी भी तरह की कोई कमज़ोरी, कमी या फिर कोताही रह जाए। तो हमने बरसों मेहनत की है ये वीडियो आप तक पहुंचाने में, और पीर हक खतीब सरकार की नाम निहाद करामात, उनके ट्रिक्स, उनके फ्रॉड, उनकी जालसाजियों और उनकी शोबदेबाजियों को बेनकाब करने के सिलसिले की आज पहली वीडियो है। और इस वीडियो में हम पीर हक खतीब सरकार उर्फ शुफ शुफ वाली सरकार को बबांगे दोहल ये चैलेंज भी दे रहे हैं कि वो चाहें तो हमारे पास तशरीफ ले आए, और अगर कहें तो हम उनके पास आने के लिए तैयार हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर लाइव। मैं पीर सैयद इकरारुल हसन पीर हक खतीब से ज्यादा करामात करके दिखाऊंगा, उनके तमाम ट्रिक्स, उनकी तमाम शोबदेबाजियां, उनकी सारी सो कॉल्ड करामतें उनके सामने खड़े होकर बेनकाब करूंगा। जाहिर है हम पीर हक खतीब सरकार के नाम निहाद आस्ताने पर इसलिए भी नहीं जाना चाहते कि उन्होंने अपने गिर्द इंसानों का एक हिसार कायम कर रखा है, एक ह्यूमन शील्ड बना रखी है, और वहां जाने से यकीनन दंगे और फसाद का खदशा और अंदेशा है। और हमारा हथियार, हमारा कैमरा है, हमारी ताकत इसके अलावा और कुछ नहीं है। सो हम या तो आवाम की ताकत से वहां जाना चाहते हैं या फिर अपनी तहकीक की ताकत से, और अपने तहकीक की ताकत से दुनिया को उनके सामने खड़े होकर ये बताना चाहते हैं कि अब तक ये शख्स हजारों लाखों लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था दीन के नाम पर, मजहब के नाम पर, तसव्वुफ के नाम पर, औलियाए कराम के नाम पर और करामात के नाम पर। आप ज़रा ये मंजर देखिए कि किस तरह से पीर हक खतीब उर्फ शुफ शुफ वाली सरकार एक मरीजा, एक साइला के मुंह से लोहे की कीलें और गोलियां बरामद कर रहे हैं।